नमस्कार किसान भाइयों, आज इस वीडियो के द्वारा जानिए कि प्राइवेट बैंकों के जो किसान भाई कर्ज माफ़ी का इंतज़ार कर रहे हैं उनको बताना चाहेंगे कि अब तक कॉपरेटिव बैंकों से जुड़े 5.52 लाख लघु व 6.10 लाख सीमांत व 7.35 लाख अन्य किसानों का कर्ज माफ़ सरकार करेगी, जिसके आंकड़े आप इस हाल ही की न्यूज के मुताबिक देख सकते हैं स्क्रीन पर। दोस्तों, हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जो सरकार ने 7 फरवरी से कर्ज माफ़ी के कैंप लगाए थे उसमें औसतन 80,000 किसानों के कर्ज माफ़ हुए राजस्थान राज्य में। दोस्तों, अन्य राज्य के जो भी किसान भाई हैं वो निजी बैंकों की कर्ज माफ़ी को लेकर काफ़ी बार कमेंट कर चुके हैं। उनका कहना है कि सरकार इस कोरोना काल को देखते हुए और किसानों की स्थिति देखते हुए जो राज्य सरकारें और केंद्र सरकार मिलकर किसानों का प्राइवेट बैंकों का कर्ज माफ़ करे, ये किसानों की अपनी महत्वपूर्ण राय है। दोस्तों, इतना ही नहीं, हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आप ये स्पष्ट देख सकते हैं 55 लाख किसान कर्जदार 22 दिन में 19 लाख किसानों का 50 रुपये से लेकर 3 लाख रुपए तक का कर्ज माफ़ हुआ। दोस्तों, कोऑपरेटिव बैंकों के कर्ज माफ़ हुए, लेकिन किसानों का यही कहना है कि कोऑपरेटिव बैंकों के किसानों का तो कर्ज माफ़ कर दिया सरकार, लेकिन उन राष्ट्रीयकृत या प्राइवेट बैंकों का क्या होगा जो किसान भाई कर्ज माफ़ी के लिए अभी भी इंतजार कर रहे हैं। उन दोस्तों, निजी बैंकों के 30 लाख के किसानों के कर्जदारी पर अभी तक कोई फैसला नहीं आया है, जिसके बारे में वन टाइम सेटलमेंट योजना के तहत सरकार बातचीत कर रही है। इसके बारे में जल्दी कोई लेटेस्ट अपडेट आएगी तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से बता देंगे। दोस्तों, आपकी कर्ज माफ़ी के बारे में क्या राय है, वीडियो को लाइक और शेयर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपकी बात सरकार तक पहुंचे और सरकार प्राइवेट बैंकों के किसानों को कर्ज माफ़ी से राहत दे सके।